नमस्कार। आप लोग को अभी गर्मी महसूस होने लगा है और गर्मी अभी आने लगा है। अभी हम लोग को कूल वातावरण की जरूरत पड़ेगा और हम लोग जो एसी बाजार है, एयर कंडीशनिंग बाजार जो है, वो भी अभी उतार चढ़ाव रहेगा, कूलर उतार चढ़ाव रहेगा। आइए हम आज एसी टर्न कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे। और हम लोग जब मार्केट को जाते हैं और हर कोई बोलता है 1 टन एसी, 2 टन एसी, 1.5 टन एसी, 3 टन एसी, ये टर्न बोलने से क्या है ये पहले जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। साधारणतः एक मेंटालिटी है कि लोग की जो साइकोलॉजी फीलिंग्स है कि टॉन बोलने से उसकी वजन है ना, ये वजन नहीं है, ये उसकी कूलिंग कैपेसिटी को, जो एसी की जो कूलिंग कैपेसिटी को हम लोग टॉन में मेजर करते हैं, तो कूलिंग कैपेसिटी की जो यूनिट होता है उसको टॉन बोलते हैं। दैट मीन्स हम जो टन बोलते हैं, 1 टन, 2 टन, ये है कूलिंग कैपेसिटी, यूनिट ऑफ कूलिंग कैपेसिटी, कूलिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड टन। ये कूलिंग कैपेसिटी क्या होता है ये जानना है, बहुत जरूरी है। हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंट, बीईई, ये तैयार करता है कि टू मेजर करने का प्रणाली जो है एनर्जी एफिशिएंट, एनर्जी कैपेसिटी कितनी कंजप्शन, ये सारी जो निर्धारित होता है वो बी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंट, स्टार रेटिंग्स वगैरह वगैरह जो है हमारा बी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंट देता है। आइए हम बताते हैं कि कूलिंग कैपेसिटी की एक्चुअल मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि हाउ मच या क्वांटिटी ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिमूव्ड फ्रॉम रूम, रिमूव्ड फ्रॉम रूम, फ्रॉम ए पर्टिकुलर रूम, रूम, इच टर्म सच BTU, व्हाट इज BTU? इच नथिंग बट ब्रिटिश ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTU। व्हाट इज दैट? BTU अगेन डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ
1 pound water for 1 Fahrenheit degree centigrade. This is the cooling capacity. आइए आज हम बात करते हैं कि हम जो ये टोनेज कैलकुलेशन करते हैं, एसी की टोन के बारे में हम जो कैलकुलेशन करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है. और मैं आपको आज दो प्रकार का कैलकुलेशन करूंगा. एक है एरिया मेथड, एरिया मेथड, आप लोगों स्वयं चिंता करिए आपकी रूम का साइज कितनी है. इसकी फॉर्मूला है, एरिया आपको समझ में आ गया होगा. एक रूम है, सपोज एक रूम है, एक कमरा है, इसकी लेंथ कितना है और इसकी विड्थ कितना है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा. मान लीजिए इसकी फॉर्मूला है लेंथ इनटू विड्थ स्क्वायर रूट अपन 10, दैट इज द ये ऑल आर इन फीट, दिस इज फीट इन फीट, दिस इज ऑल्सो इन फीट. आई दिस इज इन फीट आई, ये जो है आपको जो फिगर आएगा दैट इज टॉनेज ऑफ एसी, एसी रिक्वायर्ड. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. आइए हम एक एग्जाम्पल तौर से लेते हैं, ठीक है. आइए हम लोग लेंथ लेते हैं 10 फीट एंड विड्थ लेते हैं 15 फीट. आइए फॉर्मूला डालते हैं. मान लीजिए लेंथ 10 इंटू 15 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 150 स्क्वायर रूट अपॉन 10, दैट इज नथिंग बट इज कमिंग 1.247. अब ये क्या हो गया, ये टर्न आ गया, टर्नेज ऑफ एसी इज रिक्वायर्ड. देखिए एंड सो टू से मार्केट में आपको कितना टर्न, ये फिगर तो नहीं मिलेगा आपको, 1.2 टर्न एसी रिक्वायर्ड, एसी रिक्वायर्ड. आइए ना, आप लोग को कितने में सह इजी कर दिया कैलकुलेशन करने के लिए, किसी को पूछने की जरूरत है, किसी को लगाने की जरूरत नहीं है. फॉर्मूला आपके सामने रह गया, आपका साइज आप खुद तैयार कर लीजिए और आपने मिनिमम इतना रहेगा तो आपका बढ़िया से कूलिंग आएगा. ये तो हो गया कैपेसिटी. आइए ये एक मेथड मैंने बताया, दूसरा मेथड को हम चलते हैं. दूसरा मेथड में जाते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम मेथड. ये क्या है, कुछ नहीं, इसमें केवल हाइट को हमने ले लिए हैं. हाइट क्या है, इसकी फॉर्मूला जो होता है एससी टर्न रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. मींस ये घर का ऊंचाई कितना है, मींस अगर आप ऐसे देखेंगे, अगर ये देखेंगे तो देन आपको पता चलेगा कि घर की हाइट क्या है, ठीक है. ये पर्टिकुलर जो है, ये जो हाइट है, दिस इज योर एच. आइए फिर हम चाहते हैं उसी हिसाब से हम करते हैं. हमने लेंथ लिए थे 10 एंड विड्थ लिए थे 15 एंड हम हाइट ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 20, एच इज इक्वल टू 20 फीट, ठीक 20 फीट.
डिवाइडेड बाय थाउजेंड, क्योंकि हमको टॉनेज में लेना है थाउजेंड। आप आइए, आपको ये आ गया 3000 डिवाइडेड बाय थाउजेंड, मीन्स आपको आप लगेगा कि 380। देखिए ये जो हमने हाइट को अगर छोटा कर देते हैं, ये डबल है। जब हम यही ऐसी जब हाइट मान लीजिए 10 फीट रहता है इंस्टेड ऑफ 20, अगर 10 फीट की रहती है, मतलब आपका अगर रिवर्स एरिया में आ जाता है, ऐसे आ जाता है, देन क्या होता है, दिस हाइट अगेन 10 हो जाएगा, तो देख लीजिए क्या होता है। देन इफ योर हाइट इज 10 फीट, देन 10 इंटू 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज इज कॉल टू 1500 डिवाइडेड बाय 1000 इज नथिंग बट 1.5 टन एसी। देखिए अब देखिए यहां पे जाते हैं एरियाइज में, लगभग 1.2, सो टू से आपको लेना है 1.5 टन, एंड ये वॉल्यूम वाइज में भी आपको 1.5 टन। आइए हम ये आपको दोनों मेथड बताया कि साइज कैसे आपको निरूपण करना है। आपकी घर का साइज अगर आपको पता है, आप स्वयं ऐसी कैलकुलेशन कितने टन में करना है वो आप लोग के सम्मुख में हम रखे हैं। आपको एक में कैपेसिटी के हिसाब से एक मैंने थंब रूल की बता रहा हूं, मैं लिख देता हूं कैपेसिटी, और हम आपको एक स्टेबिलाइजर के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि ये एक आपको कॉम्प्लीट, ये मतलब कॉम्प्लीट एसी कम वोल्टेज स्टेबिलाइजर के बारे में जानकारी होना जरूरी है। 0.5 से अगर आप 0.8 टन एसी लेंगे कैपेसिटी, तो आपको 2 KVA की स्टेबिलाइजर चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, स्टेबिलाइजर नहीं लेते हैं, उसका परफॉर्मेंस जो है एसी की वो डिटोरिएट हो जा रहा है। अगर आपने 1 टन से लेकर आपने 1.2 टन एसी लेंगे, तब आपको 3 KVA की स्टेबिलाइजर चाहिए। अगर 1.2 टन से अगर आपने 1.6 टन तक जाते हैं, तो आपको 4 KVA की चाहिए स्टेबिलाइजर। देख लीजिए अगर आप 2 टन से अगर मान लीजिए 2.5 टन एसी यूज करते हैं, उसके 5 KVA की स्टेबिलाइजर आपको चाहिए। अगर मान लीजिए आप 3 टन एसी यूज करते हैं, तो आपको 6 KVA की एक स्टेबिलाइजर चाहिए। ये डाटा आपके सामने मैंने कैलकुलेशन करके रख दिया, लेकिन यही पे ये बात समाप्ति नहीं होता है, क्योंकि हमने जब ये B2 के बारे में बात किए हैं, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, कि यहाँ पे ये कैलकुलेशन कैसे होता है। जानकारी नहीं है देन आप लोग को बहुत कठिनाई होगा। BTU जो हम यूनिटी बोलते हैं कूलिंग कैपेसिटी की, ये 1 टन एसी इज इक्वल टू 12000 BTU। ये ध्यान रखिए, 1 टन मींस 12000 BTU देगा, और ये BTU का जो रेंज होता है, ये जनरली 5000 से लेकर ये 24000 BTU तक होता है। आइए हम फिर
वीडियो के तहत में हम कैलकुलेशन करेंगे। आइए मैं एक थंब रूल बोल रहा हूं, वन स्क्वायर फुट एरिया रिक्वायर 20 BTU per hour। आई आपके पास अगर मान लीजिए एक एरिया है और जिसकी आपने लेंथ ले रहा है 100 एंड फीट एंड विड्थ ले रहा है 100 feet। आइए हम कैलकुलेशन करते हैं, आपका एरिया कितना हो गया। देन एक स्क्वायर फुट को मान लीजिए आपको लगता है 20 BTU और आपके पास है कितना, आपके पास ये है यह 100, ये 100 स्क्वायर फुट की है, ये 100 स्क्वायर फुट और ये 100 स्क्वायर फुट एरिया कवरेज। आइए तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि टोटल टन हमको जो चाहिए, टनेज रिक्वायर्ड 1 BTU एक स्क्वायर फुट को 20 BTU, हमारा पास टोटल स्क्वायर फुट कितना हो जाता है, आइए 20 × 100 × 100 × 100 तब तो स्क्वायर फुट आएगा ना, क्योंकि ये तो लंबाई इतना ही हम लोगों 100 फीट में लिए, ये 100 फीट में लिए, हम अभी स्क्वायर फुट निकालेंगे 100 × 100 ये स्क्वायर फुट हो गया। जब स्क्वायर फुट हो गया, आइए 20 × 10,000 आइए देन आपकी टोटल हो गया 20,000। अगर हम बैक कैलकुलेशन करते हैं टर्न रिक्वायर्ड में क्या करेंगे, हम लोग अभी कैलकुलेशन करते हैं, ये हो गया आपको विड्थ हो गया 100 feet, लेंथ हो गया 100 feet और हम लोग क्या किए, 1 square foot को 20 BTU/hour चाहिए। आइए हमको अभी टर्न रिक्वायर्ड में 20 × length and width ये हो गया आपका 20,000। अब क्या करेंगे हम लोग, हमने क्या बताए थे 1 ton एसी के लिए 12,000 BTU की चाहिए, तो मींस टनेज ऑफ एसी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, टनेज ऑफ एसी सो 20,000 डिवाइडेड बाय 12,000। हमारा वाई 12,000 बिकॉज 1 ton के लिए 12,000 की बीटू थी, तो देन इतना अभी हम लोग के पास बीटू के लिए हमको कितनी टन एसी की आवश्यकता पड़ रहा है, दिस इज योर बीटू, इट इज इन बीटू, सो आपको कितना आ गया, देन आपको 1.6 टन एसी रिक्वायर्ड। ये BTU अगर आपको जानकारी है तब आपको ये इजीली आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, या अगेन यू कैन आल्सो रिवर्स कैलकुलेशन में आप चले एरिया वाइज वो भी आपको पता चलेगा। आइए हम आपको एक थंब रूल बताते हैं, थंब रूल में एक हमको एरिया देते हैं, एरिया इन फीट स्क्वायर एरिया और आपको रूम साइज जो है, रूम का जो साइज है वो रूम की लगभग जो है, और ये जो है आपको लगेगा जो आपको BTU पर आवर जो आपको कूलिंग चाहिए। अगर आपके पास मान लीजिए 100 से लेकर 150 है एरिया तो आपको लग जाएगा 5,000। ये है आपका रूम साइज, ये आपका है रूम का साइज और ये आपका हो गया BTU पर आवर। आगे
फिर अगर मान लीजिए आपका रूम का साइज 150 से लेकर 250 है तो आपका BTU हो जाएगा 6000। अगर 250 से लेकर 300 तक है तो ये आपका हो जाएगा 7000। अगर ये 300 से लेकर अगर 350 हो जाता है तो ये हो जाएगा 8000। अगर ये 350 से लेकर 400 हो जाता है रूम साइज के जो एरिया स्क्वायर फुट हो ये स्क्वायर फुट में है तो ये हो जाएगा आपका 9000। देन ये अगर आप मान लीजिए 400 से लेकर 450 हो जाता है साइज रेंज तब आप ये हो जाएगा 10000 BTU पर आवर। तो अगर ये 450 से लेकर ये 500 हो जाता है 550 हो जाता है तब ये आपका हो जाएगा 12000। अगर अगेन सिमिलरली अगर 550 से अगर 700 हो जाता है देन आपका 14000। देन अगर आपका 700 से 1000 हो जाता है रूम साइज या स्क्वायर फुट एरिया तो आपको लगेगा 18000। अगर मान लीजिए आपका 1000 से लेकर 1200 हो जाता है देन आपको 21000 BTU पर आवर। अगर मान लीजिए 1200 से लेकर 1400 हो जाता है देन आपको लग जाएगा 23000 BTU पर आवर। अगर मान लीजिए 1400 से लेकर 1500 हो जाता है देन आपको लग जाएगा 24000 लगभग। देन आपका 1500 से लेकर अगर मान लीजिए 2000 होता है तो देन आपका लग जाएगा 30000 BTU पर आवर। अगर मान लीजिए 2000 से लेकर 2500 तक जाते हैं 2500 तक जाते हैं देन आपको 34000 BTU पर आवर आपको लगेगा BTU पर आवर। इसी से आपको पता चलेगा कि BTU पर आवर जितने हायर रहेगा टॉनेज कैपेसिटी ज्यादा रहेगा मींस रूम का साइज के लिए हायर कूलिंग की आवश्यकता होता है। ये जो मैं फिगर आप लोग को बता रहा हूं ये फिगर आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको ये एसी टॉनेज कैलकुलेशन करने के लिए आपको काम आएगा। तो आइए आप लोग को जब सिलेक्शन करना है एसी टॉनेज की एसी टॉनेज को ये तो हमने आपको बताया और आप लोग इसको किस तरह देखेंगे और किसी को पूछने की जरूरत नहीं मने करेंगे आप खुद स्वयं स्वावलंबी हो आइदर BTU हिसाब से आप कैलकुलेशन करिए क्योंकि 1 टन एसी को 12000 BTU। और अगर आपके पास BTU डाटा है आप देख लीजिए अगर रूम का साइज है वो भी कर लीजिए वॉल्यूम मालूम है तब भी कर लीजिए जो फिगर आएगा आप थोड़ा सा हायर साइज में फिर चला जाइए थोड़ा हायर साइज में आप जाइए नियरेस्ट साइज में आप जाइए। और आप लोग को कैसे लगा ये मेरी रिक्वायरमेंट और ये चार्ट आप लोग के सम्मुख में वो आपको बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप लोग को एसी के कैलकुलेशन करने के लिए स्वयं आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे स्वयं आप सफिशिएंट होंगे कि मैं मेरा घर का एरिया हिसाब से वॉल्यूम हिसाब से मैं स्वयं एसी कितनी टन की जरूरत पड़ेगा मैं स्वयं निर्धारित कर पाऊं। धन्यवाद।